इंडियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बर्फबारी में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी के बीच तीर्थयात्री लगातार दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ में अब तक 4 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। आस्था का जो सैलाब है उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये तस्वीरें हम आपको जो दिखाएंगे, बता दें इस वक्त की अहम जानकारी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देखिए, अब तक 4 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। बर्फबारी लगातार हो रही है, मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। रस्तों में जब सफर होता है तो ऐसे में हल्की बूंदाबांदी भी श्रद्धालु महसूस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा के अनुसार लगातार लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मंदिर में पहुंच के दर्शन कर रहे हैं। जानकारी यह है कि लगभग 4 लाख लोगों ने अब तक दर्शन किए हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि चारधाम यात्रा में अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। देखिए, रोजाना लगभग 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम की बात कर लेते हैं, लगभग 3 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देहरादून का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अभिषेक, जिस तरीके से एक तरफ तो मौसम ने करवट ले रखी है, जहां पर बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालुओं का जो हौसला है और जो आस्था है वो कम नहीं हो रही है, ऐसे में आपके पास अभी ताजा अपडेट क्या है इस यात्रा को लेकर? बिल्कुल, देखिए, आस्था का सैलाब है और देवभूमि है, तो जाहिर है कि यहाँ पर जो है जो लोग आते हैं वो बाबा केदारनाथ या चारधाम यात्रा हो या फिर हरिद्वार की हर की पौड़ी हो, आस्था से जुड़े लोग यहाँ पर जो है आते हैं और यही जो है तस्वीरें आजकल देखने को मिल रही है। चारधाम यात्रा चरम पर है और हरिद्वार से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, यानी श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब से कपाट खुले हैं तब से लेकर अब तक जो जो चारों धामों पर जो लोग हैं वो करीब 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है उन्होंने दर्शन किए हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन की अगर बात करें तो 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा दर्शन बाबा केदार धाम, केदार के धाम हो रहे हैं। बाबा केदार का जो धाम है वो गौरीकुंड से लेकर के धाम तक की जो दूरी है वो 16 किलोमीटर की दूरी है और पैदल मार्ग पूरा है, तो काफी कठिन चढ़ाई है। बावजूद इसके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जगह जगह जो है वो बाबा केदार के जयकारे लगा रहे हैं और लगातार जो है पहुंचने का सिलसिला श्रद्धालु। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक, कहीं ना कहीं पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन जिस तरीके से जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनको कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था हो रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अपनी व्यवस्था दुरुस्त है। गौरीकुंड से लेकर के अगर पैदल मार्ग की बात कर लें केदारनाथ की, तो गौरीकुंड से लेकर के बाबा केदार के धाम तक करीब 6 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर लोगों को के स्वास्थ्य को चेक किया जा रहा है। जो बुजुर्ग हैं उनको चढ़ाई से पहले ही उनको पहले चेक किया जाता है और रास्ते भर में उनको चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो कैंप है, जो जो जिस कंपनी को स्वास्थ्य सेवा का जिम्मा दिया गया है वो भी लगातार जो है कैंपिंग कर रही है, रास्ते में उनके कैंप लगे हैं। इसके अलावा बाबा केदार के धाम पर भी कैंप लगा हुआ है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो तत्काल प्रभाव से लोगों को वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाता है, जिसमें जो कई लोग हैं वो इस सेवा का लाभ भी उठा चुके हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की भी अपनी व्यवस्था है और जो लोग कई बार यात्रा के दौरान खो जाते हैं उनके लिए स्पेशल एक ऑपरेशन मुस्कान पुलिस ने चलाया हुआ है और लोगों को आप जो खो जाते हैं उन लोगों को आपस में मिलाया भी जा रहा है। तो कह सकते हैं प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है उसके साथ ही साथ प्रशासन जो है अपनी तैयारियों को भी ठीक कर रहा है और पूरी यात्रा मार्ग में। चलिए ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। खबरों में आगे